इंडिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देश को बिहार की तरफ से मिले तोहफे के बारे में बात करेंगे। बिहारियों का आकलन भले ही कुछ लोग कम करते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बिहारी सब पर भारी, यह मुहावरा भी सिर्फ बिहारियों के लिए ही कहा जाता है। और कहा भी क्यों ना जाए, बिहार ने जितनी विरासत देश को दी है शायद ही किसी दूसरे राज्य ने दी हो। बिहार की प्रतिभाओं का धनी राज्य ही माना जाता है, मगर बिहार ने देश को क्या कुछ दिया है। बिहार महान व्यक्तियों का कर्म भूमि भी है, बिहार गंगा की धार के लिए भी मशहूर है, वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। हालांकि आज भी बस इस बात का अफसोस है कि चाणक्य से लेकर भगवान बुद्ध की इस पावन धरती को आज भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में ही गिना जाता है। लेकिन उम्मीद है कि इस बात की कि जल्द ही आने वाले समय में बिहार की रूपरेखा में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके बाद बाहर जाकर भी हर कोई गर्व से कह सकेगा, हाँ हम बिहारी हैं। आइए अब हम सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि देश को बिहार ने तोहफे में क्या क्या दिया है। सबसे पहले बात बौद्ध धर्म की। बिहार के नाम को समझना तो भगवान राम को अवध बिहारी कहे जाने की बात से समझिए। रामायण की चौपाइयों में ही उन्हें अजय बिहारी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है। बिहार को अमंगल से मंगल करने वाला स्थान भी कहा जाता है। बिहार ही भगवान बुद्ध की पवित्र स्थली है। ये वही जगह है जहां शांति और सौहार्द के उपदेश दिए जाते थे। जिसके बाद बिहार की बात करें तो इसका महत्व अध्यात्म के दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है। बिहार ने भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धर्म से रूबरू करवाया है, जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि यानी कि गौतम बुद्ध ने की थी, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बिहार के इतिहास में देखें तो देश की कई सामाजिक परिवर्तन की नींव ही बिहार में रखी गई थी। भारत के पूरे इतिहास को भी देखें तो उसमें बिहार का हिस्सा सबसे अहम माना जाएगा। अगर हर बिहारी अपनी पहचान को पहचाने तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ हम बिहारी हैं। आगे अब हम आपको बताते हैं कि बिहार ने और क्या कुछ दिया है। जिन्हें नहीं पता हो हम उन्हें बता दें कि देश का सबसे पहला गणतंत्र ही बिहार में पनपा है। इतना ही नहीं, बिहार की मिट्टी ने बौद्ध धर्म के अलावा जैन धर्म की देन है, बिहार ही है। इतना ही नहीं, देश को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट का नाता भी बिहार से ही था। वो आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार करके गणित की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, बिहार को तो गणितज्ञों का हब भी कहा जाता है। आज पूरे देश दुनिया में राजनीतिक गतिविधि देखने को मिलती है, वो भी बिहार की ही देन है। चाणक्य की रणनीति ने सत्ता पलट दिया था और आज जो राजनीति चल रही है वो बिहार के चाणक्य की ही देन है। देश दुनिया ने तमाम तरह के यूनिवर्सिटी को अभी तक बनाने का दावा किया है, लेकिन आपको पता है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी देश को दिया है। हालांकि आज इस यूनिवर्सिटी का अस्तित्व भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन एक समय था जब इस यूनिवर्सिटी को ज्ञान का केंद्र माना जाता था। दूर दूर से छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया करते थे। इतना ही नहीं, हस्तकला में भी बिहारियों का बोलबाला कम नहीं है। मधुबनी पेंटिंग को आज किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। इस पेंटिंग की पहचान देश के साथ साथ विदेशों में भी होने के पीछे बिहार का ही हाथ है। इतना ही नहीं, बिहार कई ऐतिहासिक लड़ाई का गवाह रहा है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी प्रमुख सड़कों में से एक ग्रैंड ट्रंक रोड बिहार की ही देन है। यह रोड आज के समय में 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करता है। यह पाकिस्तान के पेशावर से शुरू होती है और बाघा में भारत में प्रवेश करती है, और ये पहले अटाक, रावलपिंडी और लाहौर से गुजरती है। भारत के भीतर यह अमृतसर, अम्बाला, दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आसनसोल और कोलकाता से होकर गुजरता है। यह तब बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उस देश के नारायणगंज जिले में सोनर गांव पर समाप्त होती है। भारत के भीतर सड़क के प्रमुख हिस्से कोलकाता और कानपुर के बीच के हिस्सों को NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के रूप में जाना जाता है। कानपुर और दिल्ली के बीच को NH91 राष्ट्रीय राजमार्ग 91 कहा जाता है, और दिल्ली के बीच और बाघा पाकिस्तान के साथ सीमा पर NH1 के रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण भी बिहार के सासाराम के रहने वाले शेर शाह सूरी ने की थी। इतना ही नहीं, छात्रों की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत भी JP नारायण ने बिहार से ही की थी। आज के समय में जहां हिंसा आम बात हो गई है, जिसके बाद कई लोग एक बार फिर से गांधी की अहिंसा के विचारधारा को फिर से अमल किए जाने की जरूरत को समझते हैं, तो हम आपको बता दें कि गांधी की अहिंसा की विचारधारा की शुरुआत भी बिहार की धरती से ही हुई थी। बिहार में तो हर धर्म का सम्मान बराबर किया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में हुआ था, और यही कारण है कि पटना सिटी में बना तख्त श्री हरिमंदिर जी साहिब गुरुद्वारा सिखों का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, बिहार ट्रेड और संस्कृति का केंद्र भी माना
माना जाता है। सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि बिहार से कई प्रतिभाएं भी हर साल निकलती हैं। बिहारियों की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब IAS IPS की बात होती है बिहार का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि बिहार को IAS IPS प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ के युवा जिद में आकर बड़ी बड़ी परीक्षाओं को क्लियर करने की काबिलियत रखते हैं। बिहार की एक और खासियत यहाँ के पर्व त्योहार है। बिहार के छठ पर्व की चर्चा हर ओर होती है। बिहार में कई ऐसे आध्यात्मिक स्थल भी है जिसका जिक्र पूरे देश में है, जिसमें गया के महाबोधि मंदिर का जिक्र जरूर किया जाता है। इतना ही नहीं, झंडे के बीच में लगा अशोक चक्र जिसे कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है बिहार की देन है। इसमें कुल मिलाकर 24 तिलियां हैं जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। इसके अलावा सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्रायः एक चक्र बना हुआ है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। उदाहरण के लिए सारनाथ स्थित सिंह चतुर्मुर्ख एवं अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र विद्यमान है। सम्राट अशोक भी जाने माने शासक थे। इसके साथ ही रामायण के लेखक वाल्मीकि का नाता भी बिहार से ही है। अगर अब कोई आपसे पूछे कि क्या तुम बिहारी हो तो गर्व से कहे कि हाँ हम बिहारी है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार बिहार की सबसे खास बात क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं।